कांकीर मुठभेड़ में बीएसएफ के 4 जवान शहीद, 2 हुए घायल। लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। फोर्स और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए तो वहीं 2 जवान घायल हो गए। घटना पखुजर मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर परतापुर थाने के मोहल्ला जंगल में हुई। सुबह बीएसएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे कि इसी दौरान नक्सलियों ने उन पर हमला बोल दिया। नक्सलियों की गोलाबारी के जवाब में बीएसएफ के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 4 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक एएसआई और 3 कांस्टेबल शामिल बताए जा रहे। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये जवान हुए शहीद। सहायक उपनिरीक्षक बोरो, रामकृष्णन आरक्षक, सोमेश्वर आरक्षक, इसरार खान आरक्षक। घायल जवान गोपू राम सहायक कमांडेंट और गोपाल राम निरीक्षक। बताइएगा आज थाना परतापुर क्षेत्र अंतर्गत जो हमारा कैंप है वहाँ पर बीएसएफ की पार्टी तैनात है। 114 जो बटालियन है उसको 14वीं अल्फा कंपनी सायंस रानी के नेतृत्व में वहाँ आसपास में डोमिनेशन पे निकले थे तथा वहीं पर 2 किलोमीटर आगे पुलिया भी निर्माण कार्य जारी था, वहाँ पर भी सुरक्षा के लिए गए हुए थे। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा एम्बुस लगा करके बीएसएफ के पार्टी और पुलिस की पार्टी पर एम्बुस किया गया। एम्बुस करने पर वहाँ पर जो घटना हुआ है उस पर 4 जवानों के शहीद होने का प्राथमिक तौर पर सूचना प्राप्त हुई है तथा 2 घायल हैं। सभी जो जवान हैं वो अभी वापस आ करके कैंप में पहुँच गए हैं और तत्काल मौके पर जो न्यू इन्फोर्समेंट के लिए पार्टी जो है पहुँची है और एरिया में जितने भी आसपास के कैंप हैं वहाँ से बल रवाना करके सर्चिंग जो है तेज किया गया। मुठभेड़ समाप्त हो चुकी है। जो पुलिस पार्टी है जिसके साथ फायरिंग किया गया है वो पार्टी जो है अभी वापस कैंप पहुँची है।